हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, जो शब्द हम आगे पढ़ेंगे उन वोकैबुलरी को एक बार हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एज यूजुअल अपना एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो वर्ड है हमारा अपटिक। तो अपटिक सिंपल सा मतलब है, अपटिक मतलब हो जाता है जैसे अपटिक लगा, इसे कहते हैं अपटिक। अब अपटिक में अगर आप देखोगे तो ये चीज ऊपर जा रही है, यानी कि कुछ ही किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज में स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड देखा जाना, किसी चीज में अपवर्ड ट्रेंड देखना, किसी चीज का बढ़ना कहलाता है अपटिक। अगला हमारा वर्ड है सेटबैक। तो मुझे ये काफी सेटबैक लगा, यानी कि धक्का लगा, एक तरीके का झटका लगना। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, यानी किसी प्रोग्रेस में एक तरीके का झटका लगना, एक तरीके की रिवर्सल होना, ठीक है, उसे कहते हैं सेटबैक लगना। सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इशू, हिच, कॉम्प्लिकेशन, अपसेट, डिसअपॉइंटमेंट या फिर मिसफॉर्चून। ठीक है, जैसे ये उसके लिए मेजर सेटबैक है, मेजर एक झटका है जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस में बाधा आ रही है। इंसिडेंट हम कहते हैं घटना को, कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई। ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब हो जाता है सुसंगठित, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता था ना, जिसमें सभी लोग बड़े एक संगठित तरीके से अपना गाना बजाते थे। सो द अरेंजमेंट और स्कोरिंग ऑफ म्यूजिक फॉर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस। तो ऑर्केस्ट्रेटेड का ये तो एक म्यूजिकल वाले सेंस में हो गया, बट इसका एक अर्थ सुसंगठित भी होता है। एलिजेडली, एलिजेडली जो है ये अक्सर अखबार में आपको देखने को मिलेगा और न्यूज रिपोर्ट्स में भी, ऐसा हम कहते हैं ना कि कथित तौर पर किसानों की हत्या की है, कथित तौर पर ऐसा हुआ। तो कथित तौर पर को अंग्रेजी में हम एलिजेडली कहते हैं, यानी कि केस और हैव टेकन प्लेस ऑल्दो देयर इज नो प्रूफ, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ यद्यपि उसका कोई प्रूफ नहीं है। सिनोनिम्स हो जाते हैं रिपोर्टेडली, सपोजेडली, रिप्यूटेडली, परपोटेडली, ऑस्टेंसिबली या फिर अपेरेंटली। अगला वर्ड हमारा है शेडोई। शेडोई का मतलब हो जाता है फुल ऑफ शेडोज, जिसका छाया हो। तो डार्क, डिम, ग्लूमी, मर्की, शेडी, शेडेड, अनलेस, सनलेस, टेनिब्रियस या क्रेपुलस, क्रेपस्कुलर। अभी हम इसका जो वर्ड का यूज एडिटोरियल में हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। रेजिस्टेंस, जैसे आपने देखा ना, रेजिस्टेंस फोर्स बना लेते हैं कई बार लोग, या मनी हाइस्ट में भी वो कहता है कि मनी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ग्रिपिंग, ग्रिपिंग, ग्रिप मतलब होता है पकड़। पहले एक पेन आता था सेलो ग्रिपर, सेलो ग्रिपर में यहां पर ग्रिप लगी होती थी, यहां पर रबड़ लगी होती थी, तो मतलब ग्रिप अच्छी बनेगी, पकड़ अच्छी बनेगी। तो ग्रिपिंग का मतलब हो जाता है किसी चीज को फर्मली होल्ड, फर्मली होल्डिंग द अटेंशन और इंटरेस्ट, यानी कि आपका ध्यान आकर्षित करने वाली है, मनोरंजक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नॉट विद स्टैंडिंग, ये वर्ड अक्सर आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स में मिलेगा, मीनिंग होता है इनस्पाइट ऑफ, के बावजूद। कंडेमिंग मतलब होता है आलोचना करना, किसी चीज को किसी चीज को सेंसर करना, आलोचना करना। इसके सिनोनिम्स बहुत आवश्यक हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं बिरेट, लैम्बास, सेंसर, कास्टिगेट, डिनाउंस, डिप्लोर, डिक्राई, इनवे, हिट आउट, पुल अप, हॉल ओवर द कोल्स, चैग्राइंड, रिप्रूव, रिब्यूक, फ्ले, अपब्रेड, रिप्रूव, चेस्टाइज एंड स्कोल्ड। ये सारे के सारे वर्ड अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे ही सिनोनिम्स आप जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। और इसका कारण यह है कि एडिटोरियल जब आप पढ़ोगे तो डेली आपको कंडेम, सेंसर, ये सब वर्ड मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हो एडिटर्स क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, यानी कि वो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं। अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि कुछ करने से बचना, अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल इस्तेमाल होता है अक्सर, अब अगर आप शराब पीने से बच रहे हैं तो अब्सटेन करना कहते हैं, आप अपने आप को किसी कार्य को करने से रोकने के सेंस में आता है। अब्सटेन का सिनोनिम रिफ्रेन भी होता है, बट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग एंड अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है मास माइग्रेशन, एक जगह से बहुत सारे लोगों का जाना, एक जगह से बहुत सारे लोगों का जाना, जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग एक जगह से मूव कर रहे थे, दैट वाज एक्सोडस। और इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्फ्लक्स, अगर बहुत सारे लोगों का एक जगह पर आना कहलाता है मास अराइवल, दैट इज इन्फ्लक्स, एक जगह पर बहुत सारे लोगों का पहुंचना।
माइग्रेशन मतलब हो जाता है एक जगह से काम की वजह से जाना आना जाना, क्या कहलाता है माइग्रेशन, माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे बिहार के वर्कर्स महाराष्ट्र जाके काम करते हैं तो माइग्रेट करते हैं, ठीक। इससे मिलते जुलते दो शब्द हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, उन दोनों को मैंने ले लिया है, इमिग्रेशन और एमिग्रेंट। इमिग्रेंट को आप ध्यान रख सकते हैं आई फॉर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है देश में किसी का आना। तो अगर आप मान लीजिए विजय माल्या भारत छोड़ के इंग्लैंड गया तो वो इंग्लैंड के लिए इमिग्रेंट हो गया क्योंकि वो वहां पर भारत छोड़ के गया है, और भारत के लिए एमिग्रेंट हो गया क्योंकि वो भारत से गया है। तो भारत से जाना एक्सपोर्ट, अगर कोई चीज जा रही है यहां से तो वो एमिग्रेंट है, और कोई आ रहा है तो इमिग्रेंट है, समझ गए। आई फॉर इंपोर्ट इमिग्रेंट, ई फॉर एक्सपोर्ट एमिग्रेंट। एश्योरेंस, एश्योर करना मतलब हो जाता है आश्वासन देना कि आप, मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं आपको, एश्योर कर रहा हूं, एश्योरेंस दे रहा हूं। इंश्योरेंस कहते हैं बीमा को। ये तीन शब्द एक तरीके से होमोनिम्स हैं इसलिए मैंने इनको यहां लिख दिया है। इंश्योरेंस मतलब बीमा होता है, इंश्योर करना मतलब हो जाता है सुनिश्चित करना कि मैं इस चीज को सुनिश्चित करूंगा कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसे, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, और इंश्योर करना बीमा कहलाता है। री इंश्योरेंस मतलब हो जाता है पुनः सुनिश्चित करना, फिर से आप किसी चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं। सॉलिडेरिटी मतलब हो जाता है एकजुटता दिखाना कि आप एकजुटता दिखा रहे हैं, कि सॉलिडेरिटी दिखाइए, यूनिटी दिखाइए। और फोमेंट मतलब हो जाता है जैसे गंगा इज फोमेंटिंग, मतलब गंगा भड़क रही, गंगा भड़क नहीं रही, बेसिकली गंगा में बहुत सारा पानी आ रहा है और उफान पे है, तो उसे कहते हैं फोमेंट करना। तो फोमेंट का मतलब इंस्टिगेट और स्टिरअप भी होता है। सिनोनिम्स इसके इंस्टिगेट भी हो जाते हैं, इंसाइट, प्रोवोक, एजिटेट, एक्साइट, स्टिरअप, विप अप, अराउज, इंस्पायर और एनकरेज भी हो जाता है, मतलब हो जाता है भड़काना। डिस्कॉर्ड हम कहते हैं विवाद को, डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट को। फोस्टर मतलब हो जाता है पालन पोषण करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को एनकरेज करना, प्रमोट करना, स्टिमुलेट करना, नर्चर करना, पालन पोषण करना। एमिटी जो है, अगर ए एम किसी में रूट वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली, तो एमिटी का मतलब फ्रेंडली रिलेशंस, मित्रता, मित्रवत के लिए आता है आपका। डिटेरियोरेट का मतलब हो जाता है किसी चीज का बद से बदतर होना, स्थिति का और खराब होना। सिनोनिम्स हो जाते हैं वर्सन, गेट वर्स, डिक्लाइन, बी डिक्लाइन, डिजेनरेट, डिके या फिर कोलैप्स, ठीक है। क्रैकडाउन मतलब होता है कार्रवाई, जैसे सरकार, गवर्नमेंट क्रैकडाउन दे, यानी कार्रवाई की। इंसर्जेंसी विद्रोही को कहते हैं, इंसर्जेंट है यानी कि एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, विद्रोही के सेंस में आता है। आइसोलेट करना मतलब होता है अलग थलग कर देना, किसी को आपने आइसोलेट कर दिया, ये चीज हमने काफी पढ़ी अभी कोरोना के चक्कर में, काफी ज्यादा ये टर्म आ रहा था। तो आइसोलेट करना मतलब अलग थलग करना। क्वेल, क्वेल मतलब होता है बलपूर्वक दमन करना, किसी चीज को, किसी रेबेलियन को, किसी भी चीज को बलपूर्वक, अगर आप बाई फोर्स अगर उसका दमन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्वेल। पुट एन एंड टू, स्टैम्प आउट, पुट अ स्टॉप टू, एंड, फिनिश, गेट रिड ऑफ, क्रश। मॉब का मतलब होता है गुस्साई भीड़, तो अगर आपको कहीं पर भी एंग्री मॉब लिखा मिलता है तो यहां पर जो मॉब है, एंग्री है, वो रिडंडेंट है, सुपरफ्लूअस है। नॉर्मलसी मतलब होता है वापस पुनः स्थिति में आना, जिसमें पहले था, नॉर्मल हो जाना। वैली हम कहते हैं घाटी को। और स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और इक्विलिब्रियम, जहां पर सारी चीजें शांत थी, इनएक्टिव था, पैसिवनेस थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। एलिनिएशन मतलब भी हो जाता है अलग थलग करना किसी को, आइसोलेट, एलिनेट एक साथ हो जाएंगे। एब्रोगेट मतलब होता है कोई कानून को खत्म करना, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि कानून को खत्म किया गया, एब्रोगेट किया गया। डेजिग्नेशन हम पद के लिए कहते हैं कि ही हैज बीन डेजिग्नेटेड एट दिस पोस्ट, तो डेजिग्नेशन पद के लिए। बाइफर्केशन, बाई मतलब टू, और बाइफर्केट करना मतलब किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ना। और रिजम्पशन ऑफ टॉक्स बिटवीन द टू नेशंस, रिजम्पशन ऑफ टॉक्स बिटवीन द टू नेशंस मतलब दो नेशंस के बीच में बातें पुनः शुरू हुई हैं, तो रिज्यूम हुई है, किसी चीज का रिज्यूम, जैसे वीडियो आप पॉज करते हो उसके बाद उसे प्ले करते हो तो रिज्यूम करते हो, तो रिजम्पशन मतलब फिर से किसी चीज का शुरू होना। अब ये हमारा आज का एडिटोरियल है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका टारगेट, आपका जो टाइटल है वो है टैकलिंग टेरर ऑन JNK सिविलियन डेथ्स, तो यानी कि टैकलिंग टेरर, टेरर यानी आतंकवाद को कैसे हमें टैकल करना है, उससे कैसे हमें जूझना है, कैसे हमें टैकल करना है उस चीज परिस्थिति से, ऑन JNK सिविलियंस डेथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में सिविलियंस की जो डेथ हुई है, उन नागरिकों की जो डेथ हुई है उस पर बात कर रहा है। द अपटिक इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी आफ्टर टेरर अटैक्स रिसेंटली इज अ मेजर सेटबैक व्हेन द नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स इन द कश्मीर वैली वॉज द लोएस्ट इन 5 years। कह रहा है कि ये जो अपटिक आया है, यानी कि ये जो बढ़ोतरी हुई है,
इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस के जो मतलब जो वहां के नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनकी मृत्यु में जो अचानक से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से इंक्लूडिंग दोज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो लोग वहां पे माइनॉरिटी यानी कि जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं उनकी मृत्यु भी जो उसमें शामिल है, आफ्टर टेरर अटैक्स रिसेंटली, यानी कि टेरर अटैक्स के बाद में आतंकी जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद, ये एक मेजर सेटबैक है, एक तरीके से मेजर झटका है, when the number of violent incidents in the Kashmir Valley was the lowest in 5 years, यानी कि जब घाटी में जो इस तरीके की हिंसक घटनाएं थी उनकी संख्या पिछले 5 सालों में सबसे कम थी। तो कह रहा है कि ये जो अचानक से आम नागरिकों की हत्या में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से शामिल लोग भी शामिल हैं, ये घाटी की परिस्थिति के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, काफ़ी बड़ा झटका है, जिसमें चूंकि 5 साल में जो इस तरीके की घटनाएँ थी वो सबसे कम नंबर पर थी। ऑर्केस्ट्रेटेड एलिजिडली बाई अ शेडोई फोर्स कॉलिंग इट सेल्फ रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि बहुत ही सुसंगठित तरीके से जो की गई हैं, अलेजेडली मतलब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि एक शेडोई फोर्स, अब यहां पर शेडो का सेंस देखो किस सेंस में आ रहा है, मैं ये बता रहा हूं, शेडोई फोर्स का मतलब कि जैसे आगे इन्होंने बोला एलईटी, तो लश्कर ए तैयबा का शेडोई फोर्स है, लश्कर ए तैयबा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका शेडोई फोर्स यानी कि एक तरीके से उसका ही एक छोटा हिस्सा जो अपने आप को द रेजिस्टेंस फोर्स नाम फ्रंट नाम से नाम दे रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिसे बुलाया है एज बीइंग सेटअप बाय द एलईटी, द किलिंग्स हैव रिजल्टेड इन फियर ग्रिपिंग द वैलीज माइनॉरिटी हिंदू एंड सिख कम्युनिटीज। तो कह रहा है सुसंगठित तरीके से जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, कथित तौर पर जो घटनाएं हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्स जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाम दिया है उस संगठन को, उसके द्वारा की गई हैं, जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक तरीके का शेडोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक हिस्सा है, ये जो किलिंग्स हैं इन्होंने घाटी में जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय है उनके अंदर एक फियर एक डर को ग्रिप कर दिया है, यानी कि डर ने उनको जकड़ लिया है। तो ग्रिप करना मतलब पकड़ बनाना भी हो गया, हमने ग्रिपिंग का एक अलग सेंस पढ़ा था, यहाँ पे दूसरे सेंस में हो रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडेमिंग द वायलेशन, मैनी कश्मीरी पंडित्स एंड सिख एम्प्लॉयज अब्सटेंड फ्रॉम वर्क और टुक लीव टेम्परेरली वरीड अबाउट दियर सिक्योरिटी। कह रहा है इंस्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इंस्पाइट ऑफ के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मुख्यधारा के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलगाववादी संगठन है उनके कथन के उनके स्टेटमेंट्स के बावजूद जबकि वो यानी कि वो लोग इस वायलेंस को कंडेम कर रहे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके बावजूद कई कश्मीरी पंडितों ने और साथ ही साथ सिखों ने अपने काम से अब्सटेन किया अपने काम को करने से रोका अपने काम नहीं किया और एक तरीके से परमानेंटली टेम्परेरीली लीव ले ली है अपने काम से जब तक कि सिक्योरिटी स्थिति को देखते हुए। तो वो ये कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम समझें तो वो यहाँ पर वो सिर्फ ये बता रहा है कि हो क्या रहा है, पहले पैराग्राफ में वो सिर्फ ये बता रहा है कि चल क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि घाटी में अचानक से आम लोगों की हत्या की स्थिति फिर से बढ़ गई है जो कि पिछले 5 सालों में नहीं हो रही थी, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस फोर्स नामक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा रही हैं जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से जो वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी है हिंदू और सिख उनके बीच में डर पैदा हो गया है और इस वजह से वो अपने काम पर नहीं जा रहे हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। हालांकि और उसमें यह भी कह रहा है हालांकि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अलगाववादी संगठन है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। This is an unfortunate outcome. Outcome मतलब result. Unfortunate मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण outcome है कि result है कि इस चीज से हमें क्या याद आता है। It calls to mind. इससे हमें क्या याद आता है? The exodus of the Kashmiri Pandits due to terror attacks in early 1990s. इससे हमारे दिमाग में जो कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस हुआ था जो वहां से मास डिपार्चर हुआ था वहां से बहुत सारे लोग कश्मीरी पंडित्स कश्मीर छोड़ के भागे थे टेरर अटैक्स की वजह से 1990 की हमें याद दिलाता है। द रिवर्सल ऑफ दिस डेंजरस ट्रेंड रिक्वायर्स नॉट ओनली रीअश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज सच एज द पंडित्स एंड द सिक्स बट ऑल्सो अ कमिटमेंट फॉर सॉलिडेरिटी विद द विक्टिम्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल फोर्सेज एंड सिविल सोसाइटी।
बहुत ही अच्छी बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक मैं आपको पहले ग्रामर का रूल बढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम इस लाइन पर आते हैं। यहाँ देखो नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इन्होंने बट ऑल्सो का यूज किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि नॉट ओनली के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट ऑल्सो के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी वही नॉट ओनली के बाद आएगी। देखिए यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद अ कमिटमेंट आया यानी कि नाउन आया, उसी तरीके से यहाँ अ रीश्योरेंस आया, दोनों ही नाउन है। तो देखो दोनों जगह नाउन है यानी ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अब वो ये कह रहा है कि द रिवर्सल यानी कि पुनः से जो ये जो डेंजरस ट्रेंड था, जो खतरनाक ट्रेंड था, ये जो रिवर्स हो रहा है, इसको चाहिए कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह से उन्हें ये सुनिश्चित किया जाए, सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सिक्योरिटी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए बल्कि हमें यह भी चाहिए कि विक्टिम्स के साथ में जो पीड़ित हैं उनके साथ में जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो सिविल सोसाइटी है वहां की, वो सॉलिडेरिटी दिखाएं, वो यूनिटी दिखाएं, वो एकजुटता दिखाएं कि हम आपके साथ हैं, जिससे कि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो पाए कि हाँ हम अलग नहीं हैं, हमें इनका साथ मिल रहा है और साथ ही साथ सरकार भी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, रीअश्योर करे इस चीज को। अब कह रहा है द टारगेटेड नेचर ऑफ किलिंग्स बाय अ फेसलेस टेरर ग्रुप। अब ये जो एक तरीके की टारगेटेड यानी कि एकदम टारगेट कर करके जो किलिंग्स हो रही हैं, जो कि एक फेसलेस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रही है जिसका कोई फेस नहीं, जिसके बारे में जिसका कोई अभी लीडर नहीं पता लगा है, वो ये सजेस्ट करता है दैट इट्स एम वॉज टू यूज द डिसक्वाइट इन द वैली विद द रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल मेजर्स टू फॉर्मेंट कम्युनल डिस्कॉर्ड एंड वायलेंस। कह रहा है कि ये जो फेसलेस टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उद्देश्य बस ये है कि ये जो घाटी में डिस्क्वाइट है यानी कि अशांति है अभी जो रिसेंट, जो किस वजह से है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कारणों से है, यानी कि कह रहा है कि जो फेसलेस टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो उद्देश्य है वो ये मालूम पड़ता है, वो ये है कि जो घाटी में शांति है बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस और राजनीतिक कारणों से, उसको हम डिस्कॉर्ड डिस्प्यूट यानी एक तरीके से वहां पर डिसएग्रीमेंट और हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सकें, फॉर्मेंट कर सकें। तो एक तरीके से कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के हम प्रयास कर सकें, ऐसा मालूम होता है। करा बियॉन्ड द कंडेमनेशन यानी कि मतलब ये आलोचना से भी बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज करने लायक है। फ्रॉम द पॉलिटी राजनीतिक और सिविल सोसाइटी के द्वारा इन सच सिचुएशंस मस्ट टेक द इनिशिएटिव यानी कि उसको पहल करनी चाहिए सिविल सोसाइटी को ऐसी परिस्थिति में टू फोस्टर कम्युनल एमिटी यानी कि सांप्रदायिक सामंजस्य को बढ़ावा देने की पहल करनी चाहिए सिविल सोसाइटी को वहां पे, और दे शुड ट्राई टू मोबिलाइज पीपल अक्रॉस कम्युनिटीज अगेंस्ट हेट्रेड। और किसी भी कम्युनिटी के अगर आप हो, दोनों ही हर कम्युनिटी से आपको क्या करना चाहिए, लोगों में हेट्रेड को कम करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लो कितनी टेक्स्ट बुक वाली बातें हो रही हैं, मतलब ये तो जो वो बोल रहे हैं ऑथर, ये एक तरीके का यूटोपियन समाज की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। अब जहाँ पर वो परिस्थितियाँ हो रही हैं वहाँ पे इतना आसान नहीं है इस तरीके की चीज़ों को करना। अगर किसी के अंदर कोई डर है तो उसे आप सिर्फ दो बातें बोलकर ख़त्म नहीं कर सकते। एनीवेज लेट्स नॉट, मेरे मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना है। खैर तो हम ऑथर के ओपिनियन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि मतलब आलोचना से परे है, और जो सिविल सोसाइटी को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि उन्हें कम्युनल एमिटी को बढ़ावा दें यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें और लोगों के अंदर जो घृणा है उसे कम किया जाए। इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में जो रिसेंट अपील्स हैं बाय सम मस्जिद्स इन श्रीनगर में कुछ मस्जिद्स के द्वारा पब्लिक को रिक्वेस्ट किया गया कि वो एकजुटता दिखाएं विद द विक्टिम्स के साथ में एकजुटता दिखाएं और प्रिवेंट करें और रोकें कि फर्दरिंग द फियर अमंग कश्मीरी पंडित्स इज अ वेलकम स्टेप। तो कह रहा है ऐसी इसी स्थिति में, इसी सबके रिगार्ड में, अगर जो हाल में ही श्रीनगर में कुछ मस्जिदों के द्वारा अपील की गई कि वो जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ में एकजुटता दिखाएं, साथ ही साथ उनके अंदर जो डर पनप रहा है उसको, डर को ना पनपने दें और ये उसको रोकें, एक वेलकम स्टेप है, एक स्वागत योग्य कदम है। और ये इंडिकेट करता है एन इंटेंशन टू नॉट लेट द सिचुएशन डिटेरियोरेट टू व्हाट हैपेंड इन अर्ली 1990s। वो ये इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि सिचुएशन को और बद से बदतर ना होने दिया जाए जैसा कि 1990 में हुआ। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड अप विद अ स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन ऑन द इंसर्जेंसी सीकिंग टू आइसोलेट एंड क्वेल द मिलिटेंट नेटवर्क दैट इज एलिजिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक। अगेन द ऑथर्स एजेंडा कह रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी में जो केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने
जो इंसर्जेंसी यहाँ पे जो इंसर्जेंसी हो रही है, यानी कि एक तरीके का जो अलगाववाद पनप रहा है, जो मिलिटेंसी हो रही है, उसके ऊपर जो कार्रवाई की है, और उन्होंने उनकी जो कोशिश रही है कि वो उन्हें जो इस तरीके के मिलिटेंट्स नेटवर्क हैं उन्हें आइसोलेट कर दें, उन्हें अलग थलग कर दें और मिलिटेंट नेटवर्क को बलपूर्वक दमन कर दें, ये ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पर इन अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ऑथर से पूछना चाहूंगा क्या किया चाहिए, मतलब ऐसे एक्शंस ना लिए जाने चाहिए या फिर मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एनीवेज, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड अप विद अ स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन ऑन द इंसर्जेंसी सीकिंग टू आइसोलेट, कर रहा है कि इस तरीके के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ये इन घटनाओं के पीछे कारण है। आगे कहता है, व्हाइल द रिएक्शंस फ्रॉम द पॉलिटी एंड सिविल सोसाइटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी, आगे वो कहते हैं कि हालांकि इस तरीके के जो रिएक्शन हैं पॉलिटी और सिविल सोसाइटी के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं सरकार के द्वारा, वो आवश्यक हैं, दे आर नॉट सफिशियंट टू रिस्टोर नॉर्मेलसी इन द वैली, वो घाटी में वापस उसी नॉर्मल स्थिति को लाने के लिए सफिशियंट नहीं है। द सस्पेंशन ऑफ द पॉलिटी, कह रहा है वो जो राजनीतिक उन्होंने सस्पेंशन किया है उसे सस्पेंड किया है, और द एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड असेंबली, और एक जो निर्वाचित सरकार की जो एब्सेंस है, एंड द स्टेसिस एंड द एलिनिएशन, तो स्टेसिस मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था, स्टेसिस एंड द एलिनिएशन दैट हैड सेट इन सिंस द एब्रोगेशन ऑफ जे एन केज स्पेशल स्टेटस। हाँ जी, हाँ, स्टेसिस मतलब हमने क्या पढ़ा था कि एक एक जो इनएक्टिविटी का दौर चालू हुआ है जहां पे कुछ नहीं हो रहा है, तो एक जो स्टेसिस आई है लोगों के बीच में। तो कह रहा है एंड द स्टेसिस एंड द एलिनिएशन, यानी कि जो एक तरीके की पैसिविटी आई लोगों के बीच में, कुछ हो नहीं रहा है पॉलिटिकली, और उन्हें जो अलग थलग कर दिया गया है, इसने शुरुआत की है, सेट इन मतलब किसी चीज को शुरू करना, सिंस द एब्रोगेशन ऑफ जे एन के स्पेशल स्टेटस, जे एन के स्पेशल स्टेटस को जो खत्म किया गया है तब से चीजें ज्यादा शुरू हुई हैं, और इट्स और जो उसको बाइफरकेट किया गया, दो भागों में तोड़ा गया, और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, डेजिग्नेट किया गया, एंड द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इवन मोर डिफिकल्ट, और इसको इसको यूनियन टेरिटरी बनाने की वजह से उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासनिक कार्य है, वो और अधिक कठिन हो जाएगा। एन इमीडिएट रिन्यूअल ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग टू एड्रेस दिस अलॉन्ग विद द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड द कंप्लीट रिजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल एंड प्रेस फ्रीडम्स विल हेल्प क्रिएट द एनवायरमेंट टू आइसोलेट एंड टैकल टेरर इन द रीजन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना एक एजेंडा ऑथर पुश कर रहा है, कह रहा है एन इमीडिएट, और ये कह रहा है कि तुरंत ही रिन्यूअल पॉलिटिकल जो डायलॉग है, जो राजनीतिक डायलॉग है, उसे रिन्यू किया जाना चाहिए और इस स्थिति को एड्रेस किया जाना चाहिए, वापस जे एन के को स्टेटहुड दे दिया जाना चाहिए, उसे एक राज्य बना देना चाहिए, और पॉलिटिकल जो जो इस समय एक तरीके से स्टैसिस हो गई है, पैसिविटी हो गई है, उसे रिज्यूम किया जाना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए, और प्रेस फ्रीडम्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट को विल हेल्प द क्रिएट एनवायरमेंट टू आइसोलेट एंड टैकल टेरर इन द रीजन। इससे जो आतंक है वहां पे आइसोलेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और रीजन में टेरर जो है वो टैकल हो जाएगा। बेसिकली द ऑथर इज कंप्लीटली पुशिंग हिज एजेंडा, ही इज समवेयर राइट बट समवेयर ही इज जस्ट पुशिंग हिज एजेंडा दैट ऐसा 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 होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एक्चुअल इशू इन डिटेल, ही इज जस्ट पुशिंग हिज एजेंडा दैट वहां पे ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। खैर, मतलब ये थोड़ी सी भावुक करने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने शायद अपना ओपिनियन दे दिया। आई विल ट्राई टू नॉट गिव माई ओपिनियन, आपकी जो राय हो वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। क्योंकि देखो यार, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, एंड वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, जो भी हमने अभी पढ़ा। अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस से, और उसका पहला वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है, रेड टेपिज्म को कहते हैं, लाल फीताशाही या बाबूगिरी, आईएएस ओएएस ऑफिसर का ज्यादा चलता है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। सिलोज किसे कहते हैं, सिलो बेसिकली हो जाता है भूमिगत कक्ष जिसमें आप चीजों को रखते हैं, स्टोर करने का काम होता है, तहखाना जिसे आप कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं स्टोर रूम, स्टोर हाउस, वेयर हाउस, रिपोजिटरी, ग्रेनरी या लार्डर। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जो वर्ड है वो एक्सपैंड से बना है, फैलने से बना है, और एक्सपेंसिव एक्सपैंड फैलने से बना, और एक्सपेंसिव मतलब हो जाता है महंगा, तो ये दो वर्ड होमोफोन्स थे इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एम्बिशियस मतलब हो जाता है महत्वाकांक्षी, हैविंग और शोइंग स्ट्रांग डिजायर, आपकी बहुत इच्छा है किसी कार्य को करने के लिए, यू शुड बी एम्बिशियस अबाउट योर गोल्स, यानी कि आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। सिनोनिम्स हो जाएंगे एस्पायरिंग, डिटरमिन्ड, फोर्सफुल, पुशी, एंटरप्राइजिंग, पायनियरिंग, प्रोग्रेसिव या ईगर।
इंटीग्रेट मतलब हो जाता है चीजों को जोड़ना, हम इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें चीजों को जोड़ने का ही काम करते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना, इनकॉर्पोरेट या फिर रोप इन मतलब हो जाता है किसी को शामिल करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो जाता है मूलभूत ढांचा, जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिजनेस करने के लिए, यानी कि जो मुख्य चीजें चाहिए, सड़कें, पावर सप्लाई, बिल्डिंग, जो भी चीजें चाहिए उनकी बात हो रही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। इनहेंस मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना। कार्गो हम कहते हैं माल ढुलाई को, गुड्स जो शिप पे या फिर मोटर व्हीकल पे या ट्रेन में जो कैरी की जाती हैं उन्हें कहते हैं कार्गो। फ्रेट, लोड, हॉल, कंसाइनमेंट, डिलीवरी, शिपमेंट, कंटेंट्स या फिर बैगेज हो जाते हैं। क्लस्टर मतलब हो जाता है झुंड, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पीपल पोजिशन और अकरिंग क्लोजली टुगेदर, यानी कि झुंड को कहते हैं क्लस्टर। सिनोनिम्स हो जाएंगे बंच, क्लंप, कलेक्शन, मास, नॉट, ग्रुप, क्लच, बंडल, नेस्ट या फिर एग्लोमेरेशन। जंक्चर मतलब हो जाता है कि एट दिस पॉइंट, यानी कि एट दिस जंक्चर आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, यानी कि इस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो घटना का कोई बिंदु होता है उसे कहते हैं जंक्चर। अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इवेंट्स और टाइम, सिनोनिम्स हो जाते हैं पॉइंट, पॉइंट इन टाइम, टाइम, मोमेंट, मोमेंट इन टाइम, स्टेज या फिर पीरियड। बूस्ट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, हेल्प और एनकरेज समथिंग टू इंक्रीज और इम्प्रूव। सिनोनिम्स हो जाते हैं इंप्रूव करना, रेज करना, अपलिफ्ट करना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट, मैग्निफाई, स्वेल, एम्पलीफाई, इनहेंस या एनकरेज। बूस्ट आपका वो आता था, बूस्ट मोड मोबाइल में होता है कई बार, या हम NFS खेलते तो उसमें बूस्ट करते थे, नाइट्रो बूस्ट से गाड़ी बहुत तेजी से भागने लगती थी। या बूस्ट एक ड्रिंक भी आता है जिसको आप दूध में मिला के पीते तो उससे एनर्जी आती है। तो बूस्ट मतलब किसी को एकदम से एनकरेज करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना। इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या होता है, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मुझे इंटेंट नहीं दिखा, तो इंटेंट मतलब हो जाता है इंटेंशन या पर्पस, ठीक है, मंशा। सिनोनिम हो जाता है एम, पर्पस, इंटेंशन। इनिशिएटिव मतलब पहल, किसी चीज को शुरुआत करना। सिनोनिम्स हो जाते हैं एंटरप्राइज, इन्वेंटिवनेस, रिसोर्सफुलनेस, कैपेबिलिटी या इमेजिनेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हो जाता है कैंडिड, फोर्थराइट, फ्रैंक, जो सीधी सीधी बात कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। मार मतलब हो जाता है आपका किसी चीज को क्षति पहुंचाना, इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, स्पॉइल करना, खराब करना। सिनोनिम्स हो जाते हैं स्पॉइल, रियून, इम्पेयर, डिसफिगर, डिट्रैक्ट फ्रॉम, फ्लॉ, ब्लेमिश, स्कार। म्यूटिलेटेड, अभी जैसे कल न्यूज आई थी, म्यूटिलेटेड म्यूटिलेटेड बॉडी मिली। म्यूटिलेटेड मतलब हो जाता है छत विछत, म्यूटिलेटेड बॉडी मतलब छत विछत। ओवररन मतलब किसी चीज को स्प्रेड करना ओवर अ लार्ज नंबर, दैट इज कॉल्ड ओवररन। एग्जीक्यूशन, देखिए एग्जीक्यूशन के अलग अलग सेंस हैं। एग्जीक्यूशन का एक अर्थ होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना, काम करना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, एक तरीके से कैरी आउट करना, एकम्प्लिशमेंट, परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूट का दूसरा अर्थ किसी को फांसी पे लटकाना भी होता है, ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यानी उसे फांसी दे दी गई है। और एग्जीक्यूशनर का मतलब हो जाता है उस केस में जल्लाद, जो फांसी देता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, एग्जीक्यूट करने के ही सेंस में आ जाएगा। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, द डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। इनएफिशिएंसी मतलब हो जाता है अक्षमता, द स्टेट ऑफ नॉट अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, फेलियर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम और रिसोर्स, यानी कि अक्षम है आप किसी कार्य को करने में, इनएफिशियंट हैं आप, किसी काम को अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे हैं। और एस्टिमेट मतलब हो जाता है, आप मुझे कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपको नीचे तक का दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। एस्टिमेट मतलब हो जाता है किसी चीज का रफली आइडिया लगाना, अनुमान लगाना कि इट है, इसका एस्टिमेट कितना है, यानी कि रफ अनुमान लगाना, एक रफली कैलकुलेट करना। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस मतलब स्ट्रीमलाइन कर दो, एक स्मूथ कर दो किसी प्रोसेस को, आराम से एकदम जो चीजें हो जाए। डिजाइन और प्रोवाइड विद अ फॉर्म दैट प्रेजेंट्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू अ फ्लो, मतलब बहुत आराम से चीजें हो जाए। बॉटल नेक मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कि मेरी ये बॉटल है, ठीक है, अब अगर मैं इस बॉटल को खोल दूं, खोल के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं जब इसे उल्टा करूंगा तो जो यहाँ पे बॉटल का नेक है, यहाँ अगर ये बॉटल का नेक एकदम सीधा सीधा होता तो पानी एकदम से नीचे आ जाता, बट चूंकि यहाँ पर ये पतला है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पानी जाएगा, तो बॉटल नेक का मतलब हो गया कि बाधा, ठीक है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इम्फोसाइज मतलब हो जाता है किसी बात पर जोर डालना, और हर्डल मतलब भी हो जाता है बाधा। अलाइन मतलब हो जाता है किसी चीज को स्ट्रेट लाइन में करना, एक लाइन में कर देना किसी चीज को। स्टेक होल्डर, ही इज द स्टेक होल्डर इन दिस केस, यानी कि हितधारक है, एक शेयर धारक एक तरीके से। इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावी। इफेक्ट और एफेक्ट दो वर्ड होते हैं, इफेक्ट होता है नाउन आपका और एफेक्ट होता है वर्ब। इफेक्ट मतलब भी होता है प्रभाव और एफेक्ट मतलब भी प्रभाव है, बस ये वर्ब है और ये नाउन है।
इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब हो जाता है हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, बीच में हस्तक्षेप करना। कोक्स मतलब हो जाता है किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना, परसुएट करना, वीडल, कजोल, टॉक इनटू समथिंग, गेट राउंड, प्रिवेल ऑन, बिगाइल। और डिवाइस मतलब होता है किसी मेथड को डिवाइस करना, यानी किसी मेथड को निकालना, बनाना, कंसीव करना, ठीक है। प्लान और इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, सिस्टम और मैकेनिज्म बाय केयरफुल थॉट। अब ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है स्पीडिंग अप, देखिए गति शक्ति प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम अपनी चीजों को बहुत ही आसानी से मतलब मूव कराने की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है, कार्गो की बारी बात हो रही है, सामान ढुलाई की। कह रहा सक्सेस ऑफ गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म विल डिपेंड ऑन ब्रेकिंग ब्यूरोक्रेटिक सिलोज, एंश्योरिंग स्टेट्स पार्टिसिपेशन। कह रहा है कि गति शक्ति की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसकी सफलता डिपेंड करेगी कि ये ब्यूरोक्रेटिक सिलोज को कितना तोड़ पाती है, यानी कि एक तरीके से जो लाल फीता शाही है वो उसको कितना खत्म कर पाती है। यानी कि जैसे होता है ना कि यार कोई भी छोटा सा काम है तो उसमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का बहुत सारा रोल होता है, जिसकी वजह से काम चीजें अटक जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी उसमें फंस जाती है। तो कह रहा है कि उसको कितना ये तोड़ पाएगी उस पे इसका डिपेंड करेगा, और एंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा, एंश्योर हमने अभी पढ़ा था, मतलब सुनिश्चित करेगा स्टेट के पार्टिसिपेशन को। कह रहा है वेंसडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक नेशनल मॉडल प्लान है। द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट इनिशिएटिव इज एक्सपेंसिव। कह रहा है कि इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा स्प्रेड होने वाला है, काफी बड़ा है, मतलब स्कोप बहुत अच्छा है इसका, इस जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है, पहल है उसका। द टारगेट्स एम्बिशियस हैं, और जो इसके टारगेट्स हैं वो भी बहुत ही एम्बिशियस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इट विल इंटीग्रेट, ये क्या करेगा, जोड़ेगा रोड को, रेलवे को, एयरपोर्ट को, और एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस द कंट्री। इनकॉर्पोरेट करेगा, शामिल कर रहा है अ रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो अभी हाल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको शामिल करेगा, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स एंड उड़ान, इन सभी को वो इंटीग्रेट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। इट प्रॉमिसेस टू ग्रेटली इन्हांस, और ये प्रॉमिस करता है ग्रेटली इन्हांस करने को, बढ़ावा देने को, द नेशनल हाईवे एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। तो ये प्रॉमिस करता है कि ये इन्हांस करेगा, बढ़ावा देगा नेशनल हाईवे को, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटर नेटवर्क को भी बढ़ावा देगा, जिससे कि इंक्रीज होगा कार्गो हैंडलिंग, यानी कि जो माल ढुलाई का जो हैंडलिंग का काम है वो इंक्रीज होगा रेलवे के द्वारा, एंड द कार्गो कैपेसिटी एट पोर्ट्स, तो पोर्ट्स पे के जो कार्गो की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इट विल ऑल्सो सेटिंग अप द मेगा फूड पार्क्स, ऐसे मेगा फूड पार्क्स बनेंगे, डिफेंस कॉरिडोर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स बनेंगे। कंसिडरिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, और इसके जो इतने सारे इफेक्ट्स हैं इनको अगर हम बात करें, मल्टीप्लायर यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं चीज आपस में उनकी बात करें, इफेक्ट्स टाइमली, अगर इसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन होता है सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, स्पेशली एट द करंट जंक्चर कुड प्रोवाइड अ नोटेबल बूस्ट टू द इकोनॉमी। तो अगर इतने सारे इफेक्ट्स इसके होते हैं तो अगर इसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन होता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, एटलीस्ट स्पेशली इस समय, तो इससे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। द इंटेंट, अब कह रहा है इसके जो पीछे जो मंशा है इस इनिशिएटिव के पीछे इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत ही क्लियर है, साफ सुथरी है। अ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर मार्ड, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हैं वो पूरी तरीके से मार्ड हैं, प्रभावित हैं, क्यों, किससे, इनऑडिबल डिले से, मतलब लंबे लंबे डिले हो रखे हैं, वो पैसा ओवर खर्च हो जाता है। जैसे कानपुर में एक पुल था सीओडी का ब्रिज, वो 2003-04 में कुछ बनना शुरू हुआ था और वो अब जाके बनना पूरा हो पाया है, तो 17 साल लग गए उस ब्रिज को बनने में। तो वही कह रहा है कि इनऑडिलेट डिले हो जाता है, और उस ब्रिज की भी सेम चीज़ हुई कि कॉस्ट ओवररन हो गई, यानी कि मतलब उस ब्रिज में 3-4 बार ठेका उठ चुका था, तो 3-4 बार उसमें पैसा जा चुका था। देर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। तो वो कह रहा है कि आवश्यकता है कि एक प्लानिंग कोऑर्डिनेट की जाए, मतलब एक तरीके से एक सिस्टमेटिक प्लानिंग हो और उसे एग्जीक्यूट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को पूरे कंट्री में, और उनके इंप्लीमेंटेशन को स्पीड अप किया जाए इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, यानी कि जो पूरी खर्चा आता है लॉजिस्टिक्स में वो उनको कम किया जा सके, जिससे कि दिस कुड लोअर द इनएफिशियंसीज इन सप्लाई चेन्स इन इंडिया, और सप्लाई चेन्स में जो अक्षमता आती है उसको भी कम कर सकता है। अ रिसेंट रिपोर्ट बाई CII एंड Arthur D. Little हैड एस्टिमेटेड द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन सप्लाई चेन्स इन इंडिया
एट 14% ऑफ द जीडीपी, कह रहा है कि इस समय जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 14% होती है हमारे देश में इनके द्वारा, इनके अकॉर्डिंग. इन कंपैरिजन द रिपोर्ट हैड पॉइंटेड आउट दैट सच कॉस्ट अमाउंटेड टू ओनली 8-10% ऑफ द जीडीपी इन द यूएस, और यूएस में ये कॉस्ट सिर्फ 8-10% होती है और यूरोप में 9% होती है. यूएस और यूरोप में 8-10 और चाइना में 9% होती है, हमारे यहाँ 5% ज्यादा है. मतलब कहने का मतलब अगर किसी ने कोई सामान बनाया तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत खर्चा आ रहा है, ये कहना चाह रहा है. इन द केस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड मलेशिया द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू दोज एक्सिस्टिंग इन द इंडिया, दे आर फार बेटर ऑन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, कह रहा है कि ये. और अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज की जैसे कि वियतनाम और मलेशिया की, तो वहां पे भी कॉस्ट स्ट्रक्चर जैसा इंडिया में है वैसे ही वहां पे भी है, बट वो वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. वाइल इंडिया स्कोर्स 3.18 ऑन द इंडेक्स, इंडिया 3.18 स्कोर करता है, जबकि वियतनाम और मलेशिया हायर स्कोर कर रहे हैं 3.27 और 3.22. तो लॉजिस्टिकल जो इनएफिशियंसी है नॉट ओनली कॉस्ट डिले, इसकी वजह से सिर्फ डिले नहीं हो रहा है बट ऑल्सो एड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, से कीमत और बढ़ जा रही है एंड लोअर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, और इसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है. कंसिडरिंग नॉट ओनली द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम वेरी डिपार्टमेंट्स बट ऑल्सो द टिपिकल इंटर मिनिस्ट्रियल डिलेज इन द एंटायर प्रोसेस, द नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड मिनिमाइज द बॉटलनेकनेस कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड इनफ, कह रहा है कि अगर हम बात करें जो मल्टीप्लिसिटी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रूवल, यानी इतने सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं आपको अलग 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 डिपार्टमेंट से और इंटर मिनिस्ट्रियल डिलेज हो जाते हैं पूरे प्रोसेस में, द नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन स्मूथ करने की जो आवश्यकता है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, और बॉटलनेक्स यानी कि जो इस तरीके की बाधाएं उन्हें कम करने की और की जो इम्फोसिस है उसे कम और नहीं मतलब एम्फोसाइज किया जा सकता, बहुत जरूरी है एम्फोसाइज, मतलब बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है. बाय ब्रिंगिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मंत्रालय एक साथ आएंगे, इससे बाधाएं कम होंगी और प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है गति शक्ति का डिजिटल प्लेटफॉर्म कुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर क्लोजली मॉनिटरिंग द पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और इससे जो गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है इससे इफेक्टिव मैकेनिज्म भी प्रोवाइड होगा मॉनिटर करने में पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. बीच में एक चीज रुक रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग CHSL या फिर CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछली बार जो CGL में क्वेश्चन आया था वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के बिल से आ गया था और गतिशक्ति प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो भी आपको इस एडिटोरियल से मदद मिलेगी, यू विल हैव सम पॉइंट्स. आपने इतना सब पढ़ा, अगर आप इसको वहां पे लिखते हैं इसमें से कुछ भी आप के जहन में जाता है, आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो आप उसे लिख पाएंगे और दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग एज वेल. कह रहा था टेक्नोलॉजी लेड इंटीग्रेटेड अप्रोच कुड हेल्प अलाइन ऑल स्टेक होल्डर्स ईज द प्रॉब्लम्स विद अटेनिंग क्लियरेंसेस, कह रहा है कि इस जो टेक्नोलॉजी लेड इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जोड़ने वाली अप्रोच है, इससे सारे जो हितधारक हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे और जो समस्या है क्लियरेंस लेने की वो कम हो जाएगी एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में एक अच्छा मतलब कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो पाएगा, एक तरीके से सामंजस्य अच्छा बैठेगा. बट देयर आर कंसर्न्स, अब आती है असली बात, कह रहा है बट देयर आर कंसर्न्स. पहला कंसर्न क्या है, फॉर वन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्लेटफॉर्म इन इंश्योरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज इज डिबेटेबल, कह रहा है कि अगर हम बात करें पहले की, तो कह रहा है कि जो इफेक्टिवनेस है, जो इसका प्रभाव है, उस पर हम बात करें कि प्लेटफॉर्म ये चीज कितना इंश्योर कर पाएगा कि मिनिस्ट्रीज के बीच में कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा, ये काफी डिबेटेबल है, विवाद का बिंदु, ये डिबेट का इशू है. ब्रेकिंग डाउन ब्यूरोक्रेटिक सिलोज में प्रूव टू बी हार्डर देन एक्सपेक्टेड, और कह रहा है ये जो बाबूज बैठे हुए हैं और ये जो लोग लाल फीता शाही जो हमारे काम में है, इसको तोड़ना जितना हमें लग रहा है उससे मुश्किल हो सकता है, ठीक है. देन critical to the success of some of these infrastructure projects will be the participation of state governments, aur keh raha hai ki isme jo infrastructure projects mein sabse zyada zaruri cheez baithegi ki state governments kitna participate karti hain, to unka participation pe bhi nirbhar karega. The center will need to devise political interventions and ways to coax and incentivize state governments participation and cooperation. कह रहा है सेंटर को कोई ना कोई ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा कि वो राजनीतिक इंटरवीन करें, उनके बीच में इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और राज्य सरकारों को मनाएं और उन्हें इंसेंटिवाइज करें, यानी कि जहां पे जरूरत है वहां पे उन्हें पैसे दिए जाएं
इंसेंटिवाइज किए जाएं कि आप ऐसा करोगे तो आपको इतना लाभ होगा, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को और उनके पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन को सुनिश्चित किया जाए, तभी हमें इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही बड़े अच्छे से एडिटोरियल्स थे हमारे, एक द हिंदू का था और एक इंडियन एक्सप्रेस का था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपकी जो राय हो इन सारी चीज़ों के बारे में जरूर बताइए, और आशा कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक पैराग्राफ पढ़ने को समझना कैसे है वो थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द सीरीज, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।